बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इस्टीमेशन ऑफ पावर वायरिंग, तो आज आप लोगों को एक छोटा सा इस्टीमेट बताएंगे पावर वायरिंग का कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको एक 5 HP का मोटर जो है ट्यूबवेल के लिए, आटा चक्की के लिए स्थापित करना है, तो यह मान लीजिए आपका एक कमरा है, ये आपका डोर है और यहाँ आपका जो है सप्लाई पॉइंट है। और यहाँ आपका जो है मोटर लगाना है, यह मोटर। यह सप्लाई है, कितने का मोटर है? 5 HP। 5 HP का मोटर आपको लगाना है, तो इसमें आपको कमरे की साइज चाहिए, क्योंकि आपको जो है वाहक नली की लंबाई और तार की लंबाई भी निकालना है। तो मान लीजिए यह कमरे की जो है 3 मीटर लंबाई और 3 मीटर ही चौड़ाई है, ठीक। और यह जो है 0.5 मीटर दूरी पे है दीवार से इधर, ये आपकी सप्लाई। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो मोटर की स्थिति होगी दीवार से कम जो है 1 मीटर की दूरी पे होगी, तो यह आपकी दूरी 1 मीटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है इस्टीमेट में हम क्या निकालते हैं, धारा, धारा की गणना करते हैं, ठीक है। और धारा की गणना करने से पहले हमको जो कुछ पूर्वानुमान है जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, जैसे हमने कह दिया कि 5 HP का मोटर जो है एक आटा चक्की के लिए लगाना है, तो हमको पूर्वानुमान में जो है क्या लिखना होगा, पूर्वानुमान जिसको कहते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस में क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिखेंगे इफिशियंसी 0.8। मान लीजिए 5 HP का मोटर है, पावर फैक्टर भी आपको एजम करना पड़ेगा। पावर फैक्टर मान लीजिए ये भी 5 HP का मोटर है, 0.8 है, ठीक है। दूसरा, कौन सा स्टार्टर आप लगाएंगे? स्टार्टर नहीं दिया रहेगा तो आप मानेंगे हम DOL स्टार्टर लगाएंगे। स्टार डेल्टा भी लगा सकते हैं, क्योंकि 5 HP का मोटर है तो यार DOL भी लगा सकते हैं स्टार डेल्टा, लेकिन DOL हम लगाएंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यह स्टार डेल्टा से सस्ता होता है, हमको इकोनॉमिकल देखना है, ठीक है। तीसरा जो है वायरिंग की ऊंचाई, वायरिंग की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर रखेंगे, ठीक। चौथा, मेन स्विच, मुख्य स्विच, मुख्य स्विच, मोटर स्विच, स्टार्टर, फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई पर दीवार पर स्थापित करेंगे, दीवार पर, दीवार पर स्थापित करेंगे।
एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जिसको आपको मान के करना होगा, नींव की ऊंचाई, मोटर नींव की ऊंचाई। मोटर के नींव की ऊंचाई ऊंचाई आप 0.5 मीटर मानेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, चलिए इसको बाद में देखा जाएगा। इतना आप एजम्पशन कम से कम आपको करना पड़ेगा इस्टीमेशन के पहले। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, पूर्वानुमान के बाद आप जो है मोटर के धारा की दिशा निकालेंगे, कितना मोटर जो है धारा ले रहा है, ठीक। धारा की अब देखिए, हम धारा निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे इफिशियंसी वाला, आउटपुट बटे इनपुट, ठीक। आपने जो है इफिशियंसी 0.8 मान लिया है, आउटपुट कितना है आपका, 5 HP का मोटर है, 5 × 735.5, और इनपुट कितना है आपका, चूंकि 3 फेज सप्लाई है, 3√3 VI cos φ, ठीक। अब यहाँ से I का मान निकालिए, I बराबर हो जाएगा 5 × 735.5 √ या फिर आप जो है सप्लाई नहीं दिया गया, 3 फेज है, आप 440 वोल्ट इसको भी मान लेंगे, ठीक है। बी का मान जो है 440, कास फाई आपने जो है मान लिया है 0.8, ठीक। अब जो है, अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि ये आएगा धारा की मात्रा आएगा 7.54 एम्पियर। अब देखिए एक चीज़ आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मोटर जितने HP का होगा लगभग उसका जो है फुल लोड करंट 1.5 गुना होता है। 5 HP का मोटर है 7.5 एम्पियर का धारा लेगा, अगर 10 HP का है तो 15 एम्पियर धारा लेगा। अभी कहीं नहीं, गणना में आप तुरंत पकड़ लेंगे कहाँ गलती। अगर मान लीजिए यहाँ आंसर आ रहा है 6 एम्पियर, इसका मतलब कहीं आपका जो है रंग जा रहा है, तो ये आप जो है चेक पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। अब जो है देखिए, यह तो पूर्ण लोड धारा है, अब हम निकालेंगे प्रभावी धारा, जिससे कि हम केबल की साइज निर्धारित करेंगे। प्रभावी धारा जैसा कि हम बताए थे आपको कि जो भी धारा है उसमें आप 1.5 से गुणा कर देंगे, यानी 7.54 × 1.5 से गुणा करेंगे, ये आएगा 11.33 एम्पियर, ठीक। अब जो है 11.33 एम्पियर के आधार पर हम जो है केबल की साइज लेंगे, तो केबल की साइज जो है आपका आ जाएगा, सारणी से देखेंगे उस तरह हम जनरली बता दें, आपका 5 एम्पियर का 5 HP का मोटर है तो इसमें जो है 2.5 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम केबल, 1 कोर यानी एकल कोर का उपयोग करेंगे। ठीक, इतना करने के बाद आप जो है तुरंत एक सिंगल लाइन डायग्राम खींचेंगे, जिससे आप तार की लंबाई और वाहक नली की लंबाई निकालेंगे। लाइन डायग्राम में क्या करेंगे, आप सप्लाई पॉइंट दिखाएंगे। सप्लाई पॉइंट का मतलब यह मुख्य स्विच है, ठीक। इसको आप इस तरह से डिनोट करेंगे,
यहाँ से फिर आप आएंगे तो यह आपका मोटर स्विच होगा, इसको देखिए इसका सिंबल होगा, सिंबल से ही आप डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद इसका होगा स्टार्टर, मोटर का स्टार्टर होगा। स्टार्टर के बाद आपका जाएगा नीचे फर्श पे वायरिंग नीचे, और यहाँ आप जो है मोटर का फाउंडेशन शो करेंगे। यह मोटर आ गया आपका, लग गया, ठीक है, ये मोटर का टर्मिनल है। अब देखिए, अब आप जो कमरे में लगाए हैं यह 0.5 मीटर इधर बाएं तरफ छोड़ दिए हैं, तो यानी 0.5 मीटर इधर निकल गया और 1 मीटर इधर दाहिने तरफ छोड़ दिए, यानी 1.5 मीटर निकल गया। कमरे की पूरी लंबाई कितना है? 3 मीटर, तो यह स्पेस कितना बचा? 1.5 मीटर यह आपका है, ठीक। यह आपका जो है, सप्लाई का मतलब इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य स्विच। यह आपका मुख्य स्विच है, ठीक। यह आपका जो है मोटर स्विच, यह आपका जो है स्टार्टर है, यह देखिए जो है फर्श से आपकी वायरिंग जो है 1.5 मीटर ऊपर चल रही है, यानी कि जो है दीवार पे जो है फर्श पे लगा है, यह दूरी आपका 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ तक आप रिजिट केबिल लाएंगे, यहाँ से आप ट्रंच खोदेंगे, केबिल को जो है नीचे ज़मीन से ले जाएंगे, तो इसको आप यहाँ टर्मिनल तक लाएंगे। यह आपका देखिए ज़मीन के नीचे जाएगा, कितनी गहराई होगी ज़मीन की जो ट्रंच खोदेंगे, वह होगा आपका 0.2 मीटर। और यह जो मोड़ हो रहा है घुमाव, इसमें जो लगेगा केबिल वह 0.1 मीटर ले लेता है, ठीक। इधर भी आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। यह जो है न्यू की ऊंचाई पहले आप मान चुके हैं 0.5, यह 0.5 मीटर, ठीक। और यह जो है टर्मिनल से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी होगी आएगी आपकी 0.2 मीटर, ठीक है। इसके पहले हम आपको नोट करवाए थे कि मुख्य स्विच से लेकर मोटर स्विच तक कौन सा आप वाहक नली यूज करेंगे, दृढ़। यह क्या लगेगा? दृढ़ लगेगा। यह जो है आपका मोटर स्विच से स्टार्टर तक फ्लेक्सिबल लगेगा, और यह फ्लेक्सिबल लंबाई जो है 0.5 मीटर ली जाती है, 0.5 मीटर, ठीक। अब देखिए, यह जो है वाहक नली की लंबाई स्टार्टर से लेकर इस ग्राउंड लेवल तक आप लेंगे दृढ़, यह 1.5 मीटर है, और इसमें 1 मीटर और जोड़ेंगे प्लस 1। वो 1 क्या है? अब यहाँ तक आएंगे आप फर्श तक, फिर आप जाएंगे कहाँ, 1 मीटर दूरी पे, फर्श से 1 मीटर दूरी पे जो है मोटर लगाएगा, तो 1 मीटर ये भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि यह जो टोटल दृढ़ हो गया, यह आपका टोटल हो गया 2.5, इसको हम लेंगे, ठीक। हम देखिए वाहक नली की लंबाई आप देख लीजिए, नली की लंबाई, ठीक। अब आइए पहले देखिए दृढ़ कितना लगा है, 1.5 मीटर यहाँ तक, ठीक है, यह लगा है, और आपका फिर यहाँ यह 2.5 मीटर यह लगेगा, यानी कि 1.5 प्लस 2.5 मीटर, यानी कि 4 मीटर, 4 मीटर यह दृढ़ वाहक नली, ठीक है।
और वाहक नली की साइज क्या होगी? देखिए अब चूंकि जो है यहाँ से 3 तार जाएगा, यहाँ भी 3 वायर आएगा, यहाँ चूँकि DOL स्टार्टर है तब स्टार्टर से मोटर तक 3 ही तार जाएगा। अगर यही स्टार्टर यहाँ जो है स्टार डेल्टा होता तो 6 वायर आता, ठीक है। इसलिए वाहक नली की लंबाई इतना मीटर 19 mm का, कौन सा लेंगे साइज 19 mm, ठीक। अब आइए जो है दृढ़ के बाद आपका फ्लेक्सिबल, जिसको कहते हैं सुनम में देखिए यह पॉइंट आपका यहाँ लगा है फ्लेक्सिबल 0.5 meters, और यह दूरी देखिए जो यहाँ लगा है ग्राउंड से लेकर मोटर टर्मिनल सारे जो है वाहक नली यह फ्लेक्सिबल लगेंगे। तो देखिए यह 0.2 meters, 0.1 meters, 0.3, 0.2 meters, 0.5, फिर जो है 0.5 हो गया 1 meter, और फिर 0.2, यानी कि टोटल 1.2 meters यह हो गया, और 0.5 meters यानी यह आपका हो गया बराबर 1.2 + 0.5 meters, यह आपका 1.7 meters सुनम तार 19 mm का, 19 mm साइज, ठीक। यह तो हो गया, निकल गया। अब देखिए एक चीज़ और कि जितने भी तार आपके गए हैं यह हर जो है 3 ही तार गए हैं, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा वाहक नली? यह जो है आपका हो गया 4 meters, यह हो गया 1.7 meters, कुल लंबाई हो जाएगी 4 + 1.7 यानी कि 5.7 meters, ठीक। अब जो है इसमें 10% आप एक्स्ट्रा जो है जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए 10% और जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, लगभग ये हो जाएगा 6 point हो जाएगा कुछ, मान लीजिए 6.5 meters हो गया। अब जो है तार की लंबाई आप निकाल लीजिए, तो 3 तार गया है हर जगह से, तार की लंबाई बराबर 6.5 × 6, यह हो गया आपका 36 × 18, यह हो जाएगा आपका लगभग 19 meters आएगा, ठीक। तो इस तरह आपका 19 meters तार की लंबाई हो गई, ठीक है। अब आप जो है साड़ी बना देंगे, आपको साड़ी आपको इसके पहले भी बताया गया था बनाने के लिए, पहला होगा आपका क्रम संख्या, दूसरा आपका जो है सामान का नाम विवरण के साथ, तीसरा आपका होगा मात्रा, चौथा आपका होगा दर, और एक होगा यह मूल्य, और यहाँ एक टिप्पणी के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। क्रम संख्या, सामान का विवरण, मात्रा, दर रुपया में रहेगा, मूल्य ये भी रुपये में, यहाँ टिप्पणी कुछ लिखना होगा कहाँ क्या लग रहा है वो लिख सकते हैं आप। अब आइए पहला आप क्या लिखेंगे कि किस पे आप स्थापित करेंगे जो है मुख्य स्विच और मेन स्विच और स्टार्टर, तो होगा हम पहले बता चुके हैं यह धातु आवरण बोर्ड लेंगे। यह हम 2 संख्या में ले लेंगे, मान लीजिए एक का मूल्य जो है 200 रुपया है,
प्रति। दो क्यों लेंगे? एक धातु आवरण बोर्ड लेंगे जो है मुख्य स्विच स्थापित करने के लिए, और दूसरे पर हम जो है मोटर स्विच और स्टार्टर लगाएंगे, ठीक है। तीसरा दूसरा चीज आप लेंगे TPIC, TPIC फ्यूज यूनिट के साथ लेंगे, फ्यूज यूनिट के साथ। यह जो होगा आपका लेंगे 15 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड का लेंगे, ठीक है। यह भी संख्या में दो रहेगा, एक मुख्य स्विच के लिए एक मोटर स्विच के लिए। मान लीजिए ये जो है आपका 500 रुपये का है प्रति, जो भी हो आप जो है, ठीक। अब आइए तार चालक 2.5 mm² एल्यूमिनियम एकल कोर। मात्रा में आपका 19 मीटर आया था, आप 10% और बढ़ा लीजिए तो 21 मीटर, क्योंकि काटने पीटने में जो है तार कुछ वेस्टेज में जाएगा, इसलिए 10% एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 21 मीटर ले लीजिए लगभग तार। यहाँ लिख दीजिए टिप्पणी में 10% एक्स्ट्रा अतिरिक्त, ठीक। अच्छा, और आप इसके बाद आप क्या लेंगे, वाहक नली। चालक हो गया, चौथा पॉइंट आएगा वाहक नली, दृढ़ लेंगे, और यह जो है धातु का लेंगे, यह दृढ़ लेंगे 19 mm धातु का। इसकी कितना आया था वाहक नली की लंबाई दृढ़ वाला, 4.5 मीटर आया था, ठीक है। फ्लेक्सिबल सुनम में आया था आपका 1, ये भी 19 mm का रहेगा धातु का, यानी कि यह भी 1.7 मीटर आया था। जो भी दर होगा आपका 10.5 रुपये प्रति मीटर, यह भी मान लीजिए 10 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और लिखेंगे, यह जो धातु आवरण बोर्ड है और इसको स्थापित करने के लिए, दो बोर्ड है स्थापित करने के लिए, कौन सा बोर्ड लगाएंगे आप? रैग बोल्ट, इसके पहले बता चुके हैं सर्विस कनेक्शन में, कौन सा? रैग बोल्ट। यह संख्या कितनी हो जाएगी? 8। मान लीजिए 10 प्रति है। इसके बाद आप जो है और सा सामान यूज करेंगे, ये आपका जो है आता है सैडल, सैडल है लॉक, फिर आपका जो है बूश, इसके बाद आपका बैंड, ठीक। अब देखिए सैडल क्या है, सैडल जो है वाहक नली को दीवार पे स्थापित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, तो कम से कम 25-30 सैडल लगेगा, यह नोट कर लीजिएगा, मान लीजिए 25 लग गया, ठीक है। लॉक, लॉक क्या है, जब आप जो है मेन स्विच या स्टार्टर में जो आपका वाहक नली है उसमें जो है स्थापित करने के लिए, यानी उसको वहाँ जाम करने के लिए लॉक लगाते हैं, ठीक है। तो 7-8 या लगेंगे करीब, यह लगेगा 6-3 है। बूश जो है आप इसमें जो है एक तरह से
स्टार्टर में या मुख्य स्विच में वाहक नली को प्रवेश कराते समय जो है एक इंसुलेशन टाइप होता है इंसुलेशन, उसको ताकि जो है खरोच ना हो वो यूज करते हैं, चार्ज लगेगा। बैंड जहाँ पे जो है घुमाव है, कोहनी जिसको कहते हैं, जहाँ पे वाहक नली घुमाव में रहेगा वहाँ ये भी 5-6 लगेगा। ये सब जो है एडिशनल एसेसरीज हैं। इसके अलावा आपका और सामान क्या लगेगा? और सामान में आपका लग जाएगा ये, हाँ, अर्थिंग, भू संपर्कन, यह मुख्य है, भू संपर्कन रहेगा। आपको मोटर को दो जगह भू संपर्कित करना पड़ेगा, थोड़ा दो सेट जो है, दो सेट भू संपर्कन। दो सेट भू संपर्कन ठीक है। उसके अलावा आपका स्क्रू है और थोड़ा बहुत सामान लगेगा, एसेसरीज, यह सब जो है आपका लगेगा। इस तरह से आप जो है पावर वायरिंग का एस्टीमेट करेंगे। अब जो है मान लीजिए सब आ गया कि ये टोटल आप जब जोड़ देंगे तो मान लीजिए 4000 आ गया। इस तरह 4000 में जो है आप श्रम मूल्य जोड़ देंगे, श्रम मूल्य में जो है मोटर का फाउंडेशन बनाना या जो भी कुछ है इसमें आप 20% जोड़ देंगे, 20% श्रम मूल्य जोड़ देंगे, 10% आकस्मिक व्यय जोड़ देंगे। इस तरह से जो भी आएगा एस्टीमेट आपका, यह इसकी कास्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो आप लोगों को दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके भेजिएगा, कल हम फिर जो है, आज सिंगल मोटर का बताएं एस्टीमेट, कल आपको वर्कशॉप वगैरह में 2-3 मोटर कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। रखिए, धन्यवाद।